गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ विच इज़ फ्रॉम लॉरियल, लॉरियल इनफेलेबल 24 आवर फ्रेशवेयर फाउंडेशन। यू कैन सी दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक ऑफ दिस फाउंडेशन एंड दिस इज लाइक न्यू ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन एंड इसको मैंने नायका से परचेज किया था, जिसमें आपको 2 साल की शेल्फ लाइफ मिल जाती है एंड 30 ml प्रोडक्ट की क्वान्टिटी मिल जाती है एंड दिस इज़ फॉर ₹1200, येस 1200 रुपीज़ का आपको ये फाउंडेशन मिलता है एंड इसमें आपको टोटल 11 शेड्स मिलते हैं। ठीक ठाक सी है शेड्स रेंज, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बट शेड्स बढ़िया वाले शेड्स हैं, लिमिटेड शेड रेंज है लेकिन अच्छे वाले शेड रेंज है एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है Amber 300 Amber, यू कैन सी हेयर द शेड नेम एंड ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऐसी पंप पैकेजिंग वाली कांच की बॉटल में मिलता है एंड इससे पहले भी मैंने इनफेलेबल प्रो मैट फाउंडेशन ट्राई किया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला फाउंडेशन है, अब तो वो ट्यूब पैकेजिंग में मिलता है। दिस इज़ मेड इन फ्रांस प्रोडक्ट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऐसी रेड कलर की इसकी कैप मिल जाती है एंड यू कैन सी ये एक पंप पैकेजिंग में आपको मिल जाता है एंड इसमें आपको जो 11 शेड्स मिल जाते हैं वो लाइक बहुत ज़्यादा डार्क स्किन टोन के लिए मैं इसमें शेड मुझे नहीं मिला। अगर आपकी मेरी स्किन टोन है लाइक वीटिश स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत अच्छे से शेड्स मिल जाएंगे, अगर आपकी फेयर स्किन टोन है फिर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये एक बहुत ही लाइक लाइट वेट फार्मूला वाला फाउंडेशन है, लिक्विड ही इसकी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी है लेकिन ये आपको कवरेज मीडियम टू फुल कवरेज आपको देता है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फुल कवरेज आप इससे एक्सपेक्ट नहीं करना। एक तो इसकी कंसिस्टेंसी इससे थिन है जिसकी वजह से ये आपको मीडियम कवरेज देता है, बिल्डेबल फुल कवरेज आपको तब मिलेगी अगर आपके फेस के ऊपर लाइक कोई भी मार्क्स वगैरह या कोई लाइक पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है। अगर आपकी स्किन के ऊपर जस्ट लाइक मी एक थोड़े से एक्ने मार्क्स है, थोड़ी सी पिगमेंटेशन है तो ये आपको फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है ये आपकी स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन के ऊपर ऐसा बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है तो आपको बिल्डेबल फुल कवरेज इसके साथ मिल सकती है, बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी थिन है तो ये बहुत ही लाइट वेट फार्मूला हो जाता है एंड आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि लाइक अगर आपने बहुत सारी टाइम लॉन्ग टाइम के तक आपने फाउंडेशन अप्लाई करना है या मान लीजिए अपने दिन में हर रोज़ अप्लाई करना है, अनलाइक यू आर अ फाउंडेशन पर्सन जिसको मतलब थोड़ी सी कवरेज अपनी स्किन के ऊपर चाहिए तो उसके लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है एंड दिस फाउंडेशन डज नॉट ऑक्सीडाइज, लाइक उस लेवल तक ऑक्सीडाइज नहीं होता है कि आपने कोई शेड पिक किया तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हल्का सा ऑक्सीडाइज होता है बिकॉज जो 300 ये एम्बर शेड है ये मेरी स्किन टोन के लिए थोड़ा सा लाइटर है बिकॉज ये गोल्डन अंडरटोन है लेकिन इतना ज़्यादा लाइक इसमें येलो अंडरटोन नहीं है लाइक जिसकी वजह से मुझे लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से फिट होता है। अगर आप NC40 हो तो शायद ही आपकी स्किन टोन के लिए ज़्यादा बढ़िया शेड रहेगा एम्बर। तो आई एम लाइक NC43 और 42 के बीच में हूँ तो इसलिए मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली बहुत बढ़िया से ये सूटेबल नहीं लगता है, लाइक शेड अच्छे से नहीं लगता है। यू कैन सी क्लियर डिफरेंस बिकॉज मेरी नेक का कलर थोड़ा सा अलग लग रहा है एंड माई स्किन इज लुकिंग थोड़ा सा वाइट कास्ट मुझे मिल रही है जस्ट बिकॉज जो 300 ये शेड एम्बर शेड है वो है प्रॉबली थोड़े से मीडियम स्किन टोन के लिए या फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए, उनके लिए ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा शेड। सो अगर हम बात करें 24 आवर फ्रेश वेयर, सो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को लाइक ब्रीदेबल रखता है आपकी स्किन के ऊपर, यू विल नॉट फील एनीथिंग लाइक कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत भर भर के कुछ अप्लाई किया हुआ है जिसके लिए जिसके साथ आपको थोड़ा सा हैवी फील हो या आपको लाइक थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक भी अप्लाई करके रखते हो तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है। इसकी जो फॉर्मूला है इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही ज़्यादा थिन एंड लाइट वेट है, यू कैन सी थोड़ा सा लिक्विड ही है, ऐसा बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है तो जिसकी वजह से ये ब्लेंड तो बहुत अच्छे से होता ही है, उसी के साथ ये आपको अच्छी खासी मीडियम कवरेज भी देता है यू कैन सी एंड बहुत जल्दी से ना ड्राई नहीं होता है विच इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते वो वाले फाउंडेशन, लाइक जब तक हम डॉट डॉट करके अपना ब्यूटी ब्लेंडर उठाते हैं तब तक वो लाइक पैचेस छोड़ देते हैं, बिकॉज जो लॉरियल का इनफेलेबल प्रो मैट फाउंडेशन है वो ऐसे ही काम करता है, अगर आप उसको क्विकली ब्लेंड नहीं करते हो तो वो थोड़े से पैचेस देना शुरू हो जाते हैं बिकॉज वो ज़्यादा ही ड्राई फार्मूला के साथ है। लेकिन ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होता है, आपको मीडियम कवरेज देता है एंड 24 आवर फ्रेश आपकी स्किन को बना के रखता है। सो इस फाउंडेशन को मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया था, अगर आपके पास कोई फ्लैट ब्रश है फाउंडेशन ब्रश तो आप उसके साथ भी इसको ब्लेंड इजीली कर पाओगे, लेकिन आपको
आई थिंक आपको ब्रश के साथ थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज मिलेगी इंस्टेड ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, बिकॉज ऑब्वियसली ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा प्रोडक्ट हमारा एब्जॉर्ब करता है. एंड ये फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है सीमलेसली, आपको स्ट्रोक्स नहीं मिलते हैं, क्रीज नहीं करता है. समटाइम्स जो फाउंडेशन होते हैं ना सही हमारी स्माइल लाइंस में बैठने शुरू हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसे होता है कुछ फाउंडेशंस के साथ. तो अगर आपकी स्माइल लाइंस या रिंकल्स फोरहेड पे आई एरिया के पास कुछ है तो वैसे भी ये क्रीज नहीं करता है. और ये फाउंडेशन समटाइम्स आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट के ऊपर मिल जाएगा. मुझे तो 50% ऑफ पे मुझे मिला था ये नायका से, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको 50% ऑफ के ऊपर मिल जाए. बाकी अगर आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शन है तो ये उनको कवर नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसकी थिन कंसिस्टेंसी की वजह से एज सच आपको उतनी कवरेज नहीं मिलती है. लेकिन दिस इज़ अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन एंड दिस फाउंडेशन डज नॉट ट्रांसफ़र, ठीक है. ये ट्रांसफ़र प्रूफ फाउंडेशन है. कैन यू सी दिस? मैं कब से मतलब ऐसे ऐसे इसको कर रही हूँ तब भी ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता है. अगर ये आपके स्किन के ऊपर एक बार सेटल्ड हो जाता है तो आपको ऐसा बहुत ज़्यादा बार बार टचअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कॉम्पैक्ट के साथ. अगर मैं बात करूँ कि स्किन टाइप के लिए सूटेबल है तो किसी भी स्किन टाइप के लिए सूटेबल रहेगा, नो मैटर इफ़ यू आर अ ड्राई स्किन और अ नॉर्मल स्किन पर्सन और ऑयली स्किन पर्सन, तो कोई भी स्किन टाइप के लिए बहुत बढ़िया से काम करता है. I think सर्दियों के लिए किसी भी स्किन टाइप के लिए काम करेगा अच्छे से. अगर आप गर्मियों में इसको यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर ऑयली स्किन पर्सन, तो आपको थोड़ा सा यू नो पाउडर सेटिंग करना पड़ेगा एंड उसके बाद कोई भी एफिक्स लगा लीजिए, यू आर रेडी टू गो. सो यही था मेरा मिनी सा रिव्यू अबाउट दिस फाउंडेशन, बिकॉज मुझे ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा तो आई थॉट कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ. कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये इनफैलिबल Freshwear फाउंडेशन नहीं ट्राई किया है, यू शुड ट्राई दिस फाउंडेशन. अगर आपको डिस्काउंट के ऊपर मिल जाना देन ग्रैब दिस फाउंडेशन, बिकॉज बहुत ही बढ़िया से रहता है एंड ये आपको Freshwear लुक देता है, विच मीन्स अगर आपकी स्किन बहुत जल्दी से लाइक इतना ज़्यादा ये ऑक्सीडाइज नहीं होने की वजह से ना आपकी स्किन को काला नहीं करता है. समटाइम्स फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमारी स्किन काली होनी शुरू हो जाती है. इस फाउंडेशन के साथ ऐसा भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है. मतलब ये बिल्कुल भी लाइक कुछ स्किन के ऊपर मे बी ज़्यादा ऑक्सीडाइज ना हो, बिकॉज मेरी स्किन के ऊपर बहुत हल्का सा ऑक्सीडाइज होता है या फिर वो मैं थोड़ा सा पाउडर सेटिंग होने के बाद थोड़ा सा लाइक इधर उधर बैलेंस हो जाता है. लेकिन ये फाउंडेशन इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता है कि आपकी स्किन टोन को चेंज कर दे. सो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप इस फाउंडेशन को ट्राई कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है. एंड इफ़ यू आर लाइक वॉन्ट टू ट्राई दिस फाउंडेशन देन यू शुड ट्राई दिस, बिकॉज ये बहुत बढ़िया से काम करता है. सो आई होप आप लोगों के लिए ये रिव्यू वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा. इफ यस देन प्लीज डॉन्ट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना एंड कमेंट डाउन करके फीडबैक जरूर से शेयर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.